देखिए बेटे, आज का जो टॉपिक है, कल आपको करवा रहे थे हम अपेरेंट शिफ्ट, अपेरेंट हाइट क्या होती है, और दोबारा देखो। आपने पढ़ा होगा बेटे कि पानी में कोई चीज रखी हुई है, हमें उठी हुई नजर आती है, पेंसिल है मुड़ी हुई नजर आती है, ठीक है? तो क्या कुछ होता है वो देखिए। पहली हाँ चीज, अगर कभी कोई रे ऑफ लाइट, पॉइंट लिख लेना, अगर कभी कोई रे ऑफ लाइट 90 डिग्री के ऊपर फॉल होती है, रिफ्लेक्शन में वापस उसी डायरेक्शन में आ गई, और रिफ्रैक्शन में बिल्कुल स्ट्रेट पास हो जाएगी, ठीक है? कोई डेविएशन नहीं होगी, जैसे आई है वैसे ही पास होगी। जैसे प्रणाम सर। बेटे प्रणाम, गलती करती है बेटे, फिर देखिए, हम यहां से, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, आपसे हमने कहा रे ऑफ लाइट ऑलवेज ट्रेवल होती है ऑब्जेक्ट से, तो बेटे यहां से रे ऑफ लाइट सभी तरफ जाएगी। अगर ये रे ऑफ लाइट 90 डिग्री के ऊपर स्ट्राइक हुई, 90 डिग्री के ऊपर स्ट्राइक हुई 90 पे, तो बेटे इसमें कभी कोई डेविएशन नहीं आएगी, वो बिल्कुल स्ट्रेट पास हो जाएगी 90 पे। इसके अलावा अगर यहाँ फॉल हुई, ये डाला नॉर्मल हमने, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, मीडियम कौन सा है देखिए, ये रेयर मान लिया, ये डेंसर मीडियम माना, रे ऑफ लाइट अपनी जा रही है डेंसर टू रेयर, ये नजर आ रहा है, ऑब्जेक्ट पानी के अंदर रखा हुआ है, बाहर है एयर, तो रे ऑफ लाइट चल रही है बेटे पानी से एयर की तरफ, मतलब डेंसर टू रेयर की तरफ, और रे ऑफ लाइट अगर डेंसर टू रेयर मीडियम में जाती है, देन दे विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, ये नॉर्मल रहा ये अभी चल। और अगर आप यहाँ पर प्रेजेंट हो, यहां से आप उसको ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, इस ऑब्जेक्ट को, तो बेटे कभी भी रे ऑफ लाइट ऐसे नहीं दिखाई देगी, आपको जो नजर आएगा ये ऑब्जेक्ट इसके बिल्कुल सामने, ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना, ऑब्जेक्ट है एक्चुअल में ये, बट नजर यहाँ पर आएगा, ऑब्जेक्ट है बेटे ओ पॉइंट पर, नजर आएगा ऊपर। तो ये कितना शिफ्ट हुई, ये जो डिस्टेंस ऊपर गई, इसको बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। ये पूरी जो हाइट है, मतलब एक्चुअल पानी में कितना नीचे है, ये ऊपर से नीचे, इसको हम लिखते हैं एक्स से, और इसका नाम होता है रियल डेप्थ। बट अब एक तरीके से ऑब्जेक्ट तो यहां पर आ गया, इमेज जो नजर आई, इसका मतलब ऊपर से देखने वाले के लिए उसको तो केवल इतना सा नजर आई हाइट, जिसका नाम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस वाई का नाम बोला जाता है अपेरेंट डेप्थ। ये टोटल डेप्थ है, जो उसकी एक्चुअल में पोजीशन है, रियल डेप्थ एक्स से बता रहे हैं, ये आपके पास अपेरेंट डेप्थ है जो ऊपर से उसको नजर आ रही है, जो भी अंदर जो है, मान लीजिए लिक्विड डेंसर मीडियम बोला, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू है, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू है। अगर अब आपको देखना है क्या कि रियल डेप्थ क्या होगी, अपेरेंट डेप्थ क्या होगी, तो बेटे म्यू बराबर बोलना एक्स बाई वाई, मतलब रियल डेप्थ डिवाइडेड बाई अपेरेंट डेप्थ। ये फॉर्मूला अच्छे से लर्न कर लेना। दूसरा, अगर ये निकालनी है नॉर्मल शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट का मतलब है बेटे, देखो ये डिस्टेंस मैं कैसे निकाल सकता हूँ, कंप्लीट में से अगर वाई को माइनस कर दूं तो मेरे पास नॉर्मल शिफ्ट आ जाएगा कि कितनी ऊपर वो पोजिशन शिफ्ट हो गई है। तो बेटे नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है, एक्स माइनस वाई, आप मत लिखना कभी भी, फॉर्मूला बताऊंगा इसका डायरेक्ट, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, वाई देखो
वाई का नाम ये रहा, वाई ऊपर चला जाएगा, ये बन गया एक्स बाई टू। तो आप सीधा लिखना बेटे एक्स, याद करने के लिए देखिए न्यूमेरिकल आता है बेटे 101% न्यूमेरिकल आता है यहां से। क्या होता है एक बार दोबारा सुनो, तीन चीजें हैं। पहले पूछेगा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, इस लिक्विड का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बताओ। क्या कैसे पूछेगा कि जो पानी भरा हुआ है, इसमें पानी नहीं कोई लिक्विड भरा हुआ है, उसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर और आपको ऑब्जेक्ट नजर आया 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर अपेरेंट डेप्थ, 10 सेंटीमीटर रियल डेप्थ। आपसे पूछा बताओ उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना होगा, तो 1 सेकंड लगी, आपने ये लगा दिया एक्स वाई वाई, ठीक है। आपसे कहा है सेम ऐसे ही आप बताओ कि वो कितना, उसकी नॉर्मल शिफ्ट क्या है, पानी भरा हुआ है। क्या बोल रहा है, पानी भरा हुआ है, देखिए क्या क्या है। उसने कहा पानी भरा हुआ है 10 सेंटीमीटर तक, पानी नाम लिया है। अब पानी का आपको म्यू पता होना चाहिए, सबको पता है 4/3 1.33, ना भी दे तो आप सीधा निकाल देना 10 सेंटीमीटर अकेले से, यहाँ 10 फुट करो, 1 - 1/μ, आपको मैंने बता दिया 4/3, रखो सोल्व करो आंसर आ जाएगा। तो देखिए बेटे अब मैं एक एक चीज आपको करवाता हूँ, यहाँ तक किसी चीज को ये तीन चीजें समझ नहीं आई हो, एक्स क्या है, वाई क्या है, नॉर्मल शिफ्ट क्या है, तो वो अभी मेरे से जस्ट पूछिए, सर बताइए क्या है, बोलिए बेटे, किसी को पूछना है तो बोलो। नहीं सर, नॉर्मल शिफ्ट बता बेटे। नॉर्मल शिफ्ट ये देखो, ये तो मान लीजिए लिक्विड भरा हुआ है और आपको आपका ऑब्जेक्ट यहाँ नीचे रखा है और वो नजर आया आपको यहाँ पर, ए एच डी लिखा हुआ ना एच डी, ये ऑब्जेक्ट नजर था यहाँ, नजर ही आया, तो नॉर्मल शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट का मतलब नीचे से कितना ऊपर शिफ्ट हो गया, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर बिल्कुल ऊपर आया है, तो कितना ऊपर शिफ्ट हुआ, ये कितना ऊपर शिफ्ट हुआ, ये डिस्टेंस क्या बोली जाती है, नॉर्मल शिफ्ट बोली जाती है, नीचे से कितना। यहाँ एक बार साइड हो जाए, फिर बोलो बेटे दोबारा, एक बार साइड हो जाओ सर, साथ साथ करा लो सर, अब साथ साथ करा लो, कर रही है रिया, मेरे को एक चीज और समझानी है आपको, और देखो यहां से, बेटे जो ये म्यू लिखा है, इस म्यू का मतलब मैंने मान लिया ये पानी नहीं गिलास है, जैसे मेरे हाथ के ऊपर मैंने ये मार्कर चलाया, डॉट नजर आ गई, ठीक है, मैंने ग्लास स्लैब ली और ये ढक दी, तो उस कांच के थ्रू, ग्लास के थ्रू क्या आपको ये डॉट नजर आएगी या नहीं आएगी, बताओ बेटे, उस ग्लास के, रिपीट करना बेटे, मैंने कहा मैंने ये डॉट बनाई, ठीक है, और इस डॉट के ऊपर मैंने ये रख दी ग्लास स्लैब, ऊपर इसके ढक दी मैंने, जब आप ऊपर से ग्लास स्लैब से इस डॉट को देखोगे तो आपको वो डॉट नजर आएगी या नहीं आएगी, आएगी नजर बेटे, वो डॉट नजर आएगी, बट कहां, ऊपर उठी हुई, ऊपर उठी हुई अपेरेंट डेप्थ, वहां भी सेम ग्लास स्लैब की थिकनेस मिलेगी आपको, ग्लास का म्यू पूछ ले, तो ग्लास भी अलग टाइप के होते हैं, फ्लिंट ग्लास भी होते हैं, प्रियांशी दोबारा बोलो, आपकी आवाज नहीं आई बेटे, प्रियांशी बेटे दोबारा बोली, आवाज नहीं आई, मैं समझ नहीं पाया क्या बोला आपने, चलो दोबारा बता देना, जो मैं बताना चाह रहा था यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो म्यू लिखा है ये म्यू इसका है, आप बुक वगैरह में कभी पढ़ोगे तो ये ऐसे लिखा मिलेगा, अगर ये वाटर था डब्लू, कल भी बताया था इसका मतलब होता है म्यू डब्ल्यू बाई म्यू ए, इसका मतलब है
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर, एयर के रेस्पेक्ट में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर, एयर का म्यू वन होता है, इस वजह से हम लगभग म्यू डब्ल्यू वगैरह ना लिख के सीधा सा म्यू लिखते हैं। इसका मतलब खाली म्यू नहीं है, यहाँ पर दो चीजें हैं, रेस्पेक्ट में चलता है, एयर नीचे है वो हमने नहीं लिखी। तो म्यू कौन सा है, दोबारा सुन लो, म्यू कौन सा है, म्यू इस मीडियम का, ठीक है। एक क्वेश्चन आएगा अपोजिट, अपोजिट उल्टा करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट पानी में है, ऑब्जेक्ट को रख दो बाहर, ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में, अब तक मैंने बोला ऑब्जेक्ट डेंसर में, और अब मैं क्या बोल रहा हूं, अगला पॉइंट, पहला पॉइंट के तीन फॉर्मूले लिखवा दिए, दूसरा पॉइंट लिख लेना, इफ ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयर मीडियम, मछली है पानी में है, ठीक है, मछली है पानी में है, हम है पानी में है, और बाहर को ये पानी के अंदर से उसको देख रहे हैं, पानी के अंदर से बाहर उसको देख रहे, ये था, ठीक है, हम उसको बाहर की तरफ देख रहे, तो हमें वो नजर कहां पर आएगा, नीचे नजर आएगा कि ऊपर नजर आएगा। अब तक हमने क्या कहा, अब तक हमने कहा जो एक्चुअल में डेप्थ है वो कब, अगर हम उसको देखेंगे ऊपर आ जाए, ये अपेरेंट डेप्थ कम हो जाती, बट अगर पानी से डेंसर मीडियम से रेयर में आप देख रहे हैं, तो ये अगर मान लीजिए ये अगर आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या बनेगी, इमेज। अच्छे से सुनना दोबारा से, अगर ऑब्जेक्ट, पर्टिकुलर पॉइंट है ये, स्पेशल केस है, अगर ऑब्जेक्ट आपका डेंसर मीडियम में ना होके ऑब्जेक्ट कहां पर है जिसको देख रहे हैं, रेयर मीडियम में, तो जो ये म्यू का फॉर्मूला था ये उल्टा हो जाएगा, म्यू बराबर वाई बाई एक्स कर लेना, म्यू बराबर आएगा बेटे वाई बाई एक्स आ जाएगा, समझ में आया नहीं आया, वाई का मतलब अपेरेंट डेप्थ, एक्स का मतलब रियल डेप्थ। अब मैं आगे चलता हूं, दो पॉइंट बता के तीसरा पॉइंट, आपको मैंने नॉर्मल शिफ्ट बता दी, रियल डेप्थ बता दी, दोनों चीजें क्लियर होगी। अगला पॉइंट देखिए, अगर ये ध्यान आ गए समझ गए, तो जो न्यूमेरिकल घर से करने के लिए भेजे हैं टाइम नहीं लगेगा। एक ही कंटेनर में दो चीजें डाल दी, एक वाटर डाल दिया, ये वाटर है और ये मान लीजिए गिलास है, कुछ भी हो, और आपका ऑब्जेक्ट यहां पर लाई कर रहा है, अब आपसे पूछेगा इन दोनों की थिकनेस, ये थिकनेस लिख रहा हूं मैं बेटे टी से, थिकनेस ऑफ वाटर, वाटर कितनी हाइट पे, हाइट ऑफ वाटर, थिकनेस ऑफ वाटर जिसको मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा था एक्चुअल, और ये TG ग्लास की आगे, अब आपसे क्या पूछता है, आंसर पूछा जाएगा टोटल शिफ्ट बताइए, नॉर्मल शिफ्ट मतलब टोटल शिफ्ट, एक मिनट, नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला मैंने बताया x इंटू वन माइनस वन बाई टू, बेटा यही बताया था, कुछ अलग बताया था, जल्दी बताओ, टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी बोलो बेटे, यही फॉर्मूला है ना, अच्छा तब थे, तब थी केवल एक चीज हो, अब अपने पास एक नहीं दो है, दो नहीं तीन है, तीन नहीं चार है, चार नहीं पांच है, जैसे डाल दिया ऑयल, वाटर, एयर, ठीक, अलग अलग चीज ऐसे बना दिया डब्बा, और यहाँ ऑब्जेक्ट रख दिया, और आपसे कहेंगे बताओ कितना ऊपर नजर आएगा, तो क्या करना, यही फॉर्मूला लगाना, क्या बेटे देखिए, पहले वाटर है तो वाटर का लिख लो, थिकनेस ऑफ वाटर एक्स की जगह टी डब्ल्यू लिखा आपने, इंटू में वन माइनस वन बाई म्यू, कौन है ये वाटर, तो लिखो वाटर, प्लस अगला नंबर किसका, गिलास, टी जी वन माइनस वन बाई म्यू जी, ये थिकनेस थी इस गिलास की, टी बेटे समझ में आया फॉर्मूला, पहले इसकी थिकनेस, ये सेम फॉर्मूला लगाया, फिर इसके लिए लगाया, आंसर आ जाएगा, टाइम लगेगा एक सेकंड का, और समझ में नहीं आया तो फिर नहीं सोल्व कर पाओ।
अब आपको ये नजर यहाँ पर आएगा, यहाँ आएगा, कहाँ पर नजर आएगा, वो आप ये फॉर्मूला लगाना सीधा, टी जी टी डब्ल्यू वोटर कितनी हाइट तक है वो लिखना, 1-1/μ, म्यू किसका पानी का, प्लस ग्लास की हाइट कितनी है, ओएल दे रखा है तो ओएल की हाइट कितनी है वो लिखना, 1-1/μ, जी जी का मतलब ग्लास। बेटे समझ में आया तो जल्दी से बोलो यस या नो। यस सर। अगला पॉइंट देखिए, यस सर, ये फॉर्मूले साथ साथ लिखते रहना बेटे, अगला पॉइंट क्या है, ये मेरे पास एक ग्लास स्लैब है, ये मेरे पास एक ग्लास स्लैब है और ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है, अच्छे से सुनना, मेरे पास एक ग्लास स्लैब है और ऑब्जेक्ट यहां पर है, कोई बात नहीं, इफ द मिरर पॉलिश इज डन ऑन वन फेस ऑफ द ग्लास स्लैब देन अपेरेंट पोजीशन ऑफ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द अदर फेस कैन बी कैलकुलेटेड, क्या था एक मिनट में बताता हूं, समझ नहीं आ रहा, ये ग्लास स्लैब, ये थी ग्लास में आर पार देखता है, ठीक है, ओके, यहां पर ये वाला हिस्सा, इसने मिरर लगा दिया, मिरर वाला ये ब्लैक पेंट कर दिया, ठीक है, अगर ब्लैक पेंट करेगा तो आर पार नजर नहीं आएगा, और ये रखा था ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनेगी पीछे, देखिए क्या कहते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर रखा, तो बेटे आपको ये ऑब्जेक्ट पीछे मिरर में नजर आएगा या नहीं आएगा, हाँ या ना बोलो पहले, तो फिर आगे समझाऊंगा, आपको ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देगी या नहीं, हाँ या ना, नो सर, नो सर, नहीं दिखाई देगी, बेटे ये जो ऑब्जेक्ट है आपको मिरर में दिखाई देगा या नहीं देगा, सर दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई देगा, अरे मिरर दिखाई देगा ही देगा, अब कहाँ पर दिखाई देगा, कहाँ पर दिखाई देगा, इसके लिए छोटा सा सॉल्यूशन करना पड़ेगा, बेटे देखो दोबारा से, ये गिलास है, आप यहाँ पर हो, बाहर हो, आप मेरे को बताओ, ये ऑब्जेक्ट हम खुद अपने आप को मान लेते हैं, हम है खुद, बेटे क्या मिरर, इसकी थिकनेस कितनी दी है, टी लिख रखी है इसकी थिकनेस, ये गिलास स्लैब यहाँ से यहाँ तक कितनी है, टी थिकनेस की है, तो मेरे को बस इतना बताओ, क्या आपको मिरर टी डिस्टेंस के ऊपर नजर आएगा, क्या क्या आपको मिरर यही नजर आएगा, नहीं समझे, मैंने ये कहा है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था, मैंने अपने हाथ पे एक डॉट बनाई, ऊपर ग्लास की स्लैब रखी, क्या वो डॉट उसी डिस्टेंस पे नजर आएगी, उससे ऊपर नजर आएगी, बताओ बेटे कहां नजर आएगी, सर ऊपर उठी हुई, ऊपर नजर आएगी, तो वैसे ही मैं कह रहा हूं, जो ये मिरर बना दिया मैंने, फॉर एग्जांपल मैंने ये डॉट बना दी, ये डॉट आपको यहीं पर नजर आएगी कि आगे नजर आएगी, सर आगे नजर आएगी, आगे कितनी नजर आएगी, उसको हम क्या बोलते हैं, फॉर एग्जांपल ये मिरर आपको यहाँ पर नजर आया, ये मिरर आपको यहाँ पर नजर आया, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, बताओ शाबाश जल्दी से बेटे, क्या बोलते हैं इस डिस्टेंस को हम, मैंने ये बोला है, देखो ये बोला है मैंने, ये ऑब्जेक्ट यहां पर था, आपको नजर आया यहां पर, तो ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, कितना ऊपर आ गया ये, इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, सो तो नहीं गए हो बेटे, नो सर, बेटे आपको मैंने अभी इतने देर से ये बताया है कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच गया, इस वर्ड को बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट, ये जो डिस्टेंस है, सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है, अच्छा बेटे, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट, नीचे से कितना ऊपर चला गया, नॉर्मल शिफ्ट, तो बेटे इसमें भी हम इसको क्या बोलेंगे,
ये मिरर इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आ गया, इसको बोला जाएगा नॉर्मल शिफ्ट। और अगर नॉर्मल शिफ्ट निकाली मिरर की, नॉर्मल शिफ्ट, तो नॉर्मल शिफ्ट इस मिरर की कितनी होगी? नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला क्या लिखवाया था याद है? एक्स वन माइनस वन बाई यही लिखवाया था, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बेटे आपको जो यहाँ पर नजर आएगी, ठीक है, वो होगी नॉर्मल शिफ्ट वन माइनस वन बाई म्यू। ठीक है, बट मुझे इसकी जरूरत नहीं है, नॉर्मल शिफ्ट निकालनी है तो फॉर्मूला वही है, टी इंटू वन माइनस वन बाई म्यू, बट मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मेरे को जो रिक्वायरमेंट है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, मेरे को रिक्वायरमेंट है इसकी, क्योंकि हमें ये बतानी है इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो कहाँ पर बनेगी। इमेज मतलब आपको, ये मेरा लैपटॉप मिरर है और मैं यहाँ खड़ा हूँ, जितना मैं इसके आगे हूँ इमेज उतनी तो पीछे बनेगी। इसका मतलब एक्चुअल में मिरर ये है, बट शिफ्ट होके वो यहाँ आ गया, तो अब देखो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ से कितनी दूर है, दैट इज कौन बनी ये अपेरेंट डेप्थ। और अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल डेप्थ अपॉन में म्यू आ जाएगा। तो बेटे आपका ऑब्जेक्ट इस मिरर से कितना दूर है, देखो एक्चुअल में कितना दूर है टी, बट आपका मिरर शिफ्ट हो गया इधर जो नजर आ रहा है, अब वो डिस्टेंस कितनी है टी बाई म्यू, ये टी बाई म्यू। और जो इमेज नजर आएगी, इमेज डिस्टेंस बताओगे कितनी होगी बेटे? ये ऑब्जेक्ट इस मिरर में कहां नजर आएगा, कितनी दूर नजर आएगा, बताना बेटे? ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? ये ऑब्जेक्ट इसकी जो इमेज बनेगी वो डिस्टेंस कितनी होगी बेटे? प्लेन मिरर में इमेज कितनी दूर बनती है ऑब्जेक्ट से? प्लेन मिरर में जितना ऑब्जेक्ट मिरर के आगे है इमेज उतनी ही पीछे पीछे बनती पीछे है। बनेगी। तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ बेटे, अपेरेंट डेप्थ मतलब आपका ऑब्जेक्ट मिरर से कितना आगे रखा हुआ है, ये रहा टी बाई मी। तो आपका आपके सॉरी इमेज इस मिरर से कितनी पीछे बनेगी? यू बाई टी। तो आपने क्या बताना, इमेज एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? टू टी बाई मी। तो बेटे ये एक बार अच्छे से समझो, आपसे पूछा क्या जाएगा, अब जरूरी नहीं जो मैंने एक पॉइंट बताया भाई, क्या पता ये ना पूछे, आपसे पूछ ले मिरर से इमेज कितनी दूर बनी, तो टी बाई म्यू। मिरर से ऑब्जेक्ट कितना आगे है, टी बाई म्यू। ऑब्जेक्ट इमेज के बीच की डिस्टेंस कितनी है, टू टी बाई म्यू। या आपका मिरर कितना शिफ्ट हुआ, नॉर्मल शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट कर लीजिए बेटे। अगर ये सारी चीजें समझ में आ गई तो मैं आगे चलता हूँ, जल्दी करवाऊ आगे। देखो बेटे नेक्स्ट है, लास्ट पॉइंट है इसका, ये डिफरेंट मटेरियल है, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसकी जो डेप्थ है डी वन डी टू डी थ्री, ये रियल डेप्थ है तीनों। इस पहले जो भी मटेरियल है, ग्लास है, कुछ भी है, डेप्थ डी वन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री, अलग अलग दे दी डेप्थ दे दी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया, आपसे क्या कहा गया, आप इसके लिए बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री तीनों का इक्विवेलेंट क्या आएगा बेटे? बस मुझे आप ये बताओ, आप अगर अकेले को मानते हो तो इसके लिए म्यू का फॉर्मूला क्या बने, एक्स बाई वाई, रियल डेप्थ अपॉन में अपेरेंट डेप्थ। यहाँ पर इन सबकी एवरेज वैल्यू पूछी गई है, तो आप क्या बताओगे? ऊपर सेम फॉर्मूला, रियल डेप्थ अपॉन बाई वाई, एक्स बाई वाई, वेरी गुड। तो डी आपका टोटल एक्चुअल,
और डी कैसा? अपेरेंट। अब इसका सीधा फॉर्मूला लिखूं तो देखो बेटे क्या बना है, सीधा फॉर्मूला लिख के दिखा रहा हूं आपको मैं। इस अकेले के लिए आप सोल्व करोगे अपेरेंट डेप्थ तो हो जाएगी क्या, अपेरेंट डेप्थ होता है बेटे डी वन बाई म्यू वन, इसका होगा डी टू बाई म्यू टू, इसका होगा डी थ्री बाई म्यू थ्री। एक्चुअल डेप्थ कितनी, डी वन डी टू डी थ्री, तो ऊपर तो आ जाएगा डी वन प्लस डी टू प्लस डी थ्री, नीचे आएगा डी वन बाई म्यू वन प्लस डी टू बाई म्यू टू। और इस पूरे को बार बार ना लिख के मैं सोल्व करके दिखा देता हूं बनेगा क्या, ये डी वन प्लस डी टू प्लस डी थ्री अपॉन में डी वन बाई म्यू वन प्लस डी टू बाई म्यू टू प्लस डी थ्री बाई म्यू टू। ये इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। अगर इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है आपसे तो बेटे इसको कर कर आ जाना, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन के ऊपर आ रहा हूँ, खत्म करता हूँ। आपको जो पीडीएफ भेजी है उसमें पहला क्वेश्चन करवाता हूँ। या पीडीएफ जो भेजी है पहला नहीं बेटे, पहले मैं नाइन्थ क्वेश्चन करवाता हूँ जो अभी टॉपिक करवाया जस्ट उससे रिलेटेड। देखो क्या कहता है, जल्दी से आंसर देना, जल्दी से न्यूमेरिकल सोल्व कर देना। ए बीकर कंटेन्स वाटर अप टू हाई 10 सेंटीमीटर एंड एल्कोहल अप टू 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर पानी है, 10 सेंटीमीटर एल्कोहल है, एल्कोहल और पानी, वाटर और एल्कोहल। वाटर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 4/3, एल्कोहल का है बेटे म्यू 5/3, 5/4। फाइंड द शिफ्ट ऑफ द पोजिशन वेन व्यू फ्रॉम द अबव। बेटे क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे ये पूछा है ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कितना ऊपर दिखाई देगा, नॉर्मल शिफ्ट बोला इसने वर्ड पढ़ा। फाइंड द शिफ्ट इन द पोजिशन, पोजिशन कितनी शिफ्ट हुई यहां से यहां तक आई, इसको क्या बोलते हैं जल्दी बताइए मुझे, क्या बोलते हैं इसको हम? नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट अभी पढ़ाई बेटे, ये वाला फॉर्मूला टी डब्ल्यू पढ़ाया था बेटे, यस सर, ऐसे ही था ना। देख बेटे इसको सोल्व करो, टी डब्ल्यू की जगह कितना है 10, 1 माइनस म्यू की जगह कितना 4/3 प्लस टी कितना है ये 10, 1 माइनस 1/5/4। सोल्व कर सकते हो या नहीं? यस सर। तो ये था बेटे इसका नाइन्थ क्वेश्चन जो मैंने आपको भेजा है असाइनमेंट, उसमें नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, टेंथ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट ओ लोकेट एट द बॉटम ऑफ ए टैंक कंटेनिंग टू इमिसिबल लिक्विड्स एंड इज सीन फ्रॉम अबव, द लोवेस्ट एंड अपर लिक्विड आर डेप्थ 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। सुनिए, लोअर एंड अपर ये 3 और ये 4। आगे सुनिए, एंड रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, बेटे पहले 3 था उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है 4/3 और दूसरे का 5/4, दोनों सेम है। लोकेट द पोजिशन ऑफ द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सर्फेस ओ, कर लोगे खुद? अरे कर लोगे, इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ आएगी, कर लोगे बेटे? यस सर। लोकेट द पोजिशन ऑफ इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ओ फ्रॉम द सर्फेस, बेटे सरफेस ये है कि ऊपर है? सर नीचे ना बेटे, नीचे बॉटम को बोलते हैं। ऊपर से देख रहा है, ऊपर है सरफेस, ये कह रहा है ऊपर से ये कितना नीचे नजर आएगा, ठीक है। टोटल हाइट कितनी होगी बेटे, 4 प्लस 3 7। अगर 7 से मैं इस अपेरेंट शिफ्ट को माइनस कर दूं तो मेरे पास जो बचेगा वो अपेरेंट डेप्थ बचेगी या नहीं बचेगी? सर बचेगी। पेपर टाइम बेटे, जब न्यूमेरिकल आता है 101% जो ऑप्शन मिलेंगे 4, उसमें ये नॉर्मल शिफ्ट का ऑप्शन जरूर मिलेगा। और आप सोल्व करोगे, आपका आंसर आ गया, आप सोचोगे ये नहीं, आपसे पूछा गया ये डिस्टेंस बताओ कितनी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अभी जो नॉर्मल शिफ्ट निकाला, नॉर्मल शिफ्ट वाला फॉर्मूला सेम वही 3 × 1 − 4/3
प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5 बाई 4। इसको सोल्व करना, और सोल्व करके मैं बता देता हूँ इसने कर रखा है, ये आंसर आएगा 1.55। और जो पोजीशन आई आपकी, आप पोजीशन 7 माइनस 1.55, ये आंसर आ गया 5.45 सेंटीमीटर। आपका जो ऑब्जेक्ट है ऊपर से अगर देख रहे हैं तो ऊपर से कितना नीचे नजर आया, वो आंसर है 5.4। नेक्स्ट कीजिए, इलेवेंथ भी साथ के साथ करवाता हूं। ये है बेटे, चार पार्ट है, म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री म्यू फोर, सबका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दिया गया है, हाइट है सबकी h, आपसे पूछा है फाइंड द इक्विवेलेंट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑल द लिक्विड। बेटे सोल्व कर लोगे, वैल्यू म्यू की सबकी गिवन है 1.25, 1.5, 1.75 और 2। बेटे कर सकते हो या मैं करवाऊं इसको, बताइए कर लोगे? अभी जो फॉर्मूला लिखवाया था एक्चुअल डेप्थ, मतलब h 4h अपॉन में अपेरेंट डेप्थ, तो h अपॉन म्यू वन प्लस h अपॉन म्यू टू प्लस h अपॉन म्यू थ्री प्लस h अपॉन म्यू फोर। आप क्या देखोगे, h कॉमन निकाल के सबको डिलीट मार दो, कैंसिल कर दो सबको, कैंसिल कर दिया, अब 4 म्यू की वैल्यू रखो और आंसर निकाल लेना, ये आपका आंसर होगा। देखिए इसके अलावा और जो क्वेश्चंस थे, पहला क्वेश्चंस क्या था, फर्स्ट लाइट ऑफ वेवलेंथ है लैम्डा बोलते हैं 7500 आंगस्ट्रोंग है, रिफ्रेक्टिव, अच्छा एयर एंटर फ्रॉम एयर इनटू ग्लास, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है 3/2। व्हाट इज द स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ द ग्लास, एक बच्चा अनम्यूट करो, कौन अनम्यूट करेगा, एक बच्चा शाबाश, कोई भी करो बेटे, कोई अनम्यूट नहीं कर रहा बेटे, अनम्यूट कीजिए कोई भी एक बच्चा, अरे एक अनम्यूट करो, हाँ वेरी गुड लक्ष्य, क्या बात बेटे। कल मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था अपेरेंट वेवलेंथ का, लैम्डा डैश, क्या फॉर्मूला था, U is equal to 1 by V lambda dash बराबर lambda by mu था बेटे। और अगर V dash पूछता है तो था बेटे C by mu या V by mu। अगर दूसरे मीडियम में बात कर रहा है एयर अगर बोल दी तो हम बोलते हैं लगभग स्पीड ऑफ लाइट होती है, तो इसने यहां पर आपसे पूछा है v और लैम्डा, तो लैम्डा का फॉर्मूला आएगा लैम्डा अपॉन में म्यू, लैम्डा उसने दे रखा है ये दे रखा 7500 और म्यू दे रखा है 3/2, आंसर आ गया। अगर आपसे स्पीड की बात करे तो ये रहा स्पीड कितनी होती है 3×10⁸ स्पीड ऑफ लाइट, और म्यू कितना है ये दे रखा, तो एक एक सेकंड के हैं दोनों। लैम्डा डैश पढ़ना आज, जिसने कल वीडियो नहीं देखी है, लैम्डा डैश बराबर है लैम्डा बाई म्यू, और वी डैश बराबर लिखा था, या तो लिखो वी बाई म्यू अगर वी दे रखा है, नहीं दे रखा है तो सी बाई म्यू आए, कहां पर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर वैक्यूम मान के। नेक्स्ट है द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 एंड दैट ऑफ वाटर इज 4/3, द स्पीड ऑफ लाइट इन वॉटर इज 2, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, दो अलग अलग लिख लिए तो आप इसको ऐसे करना म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू, और आप यहां से देख रहे हो जो म्यू वी के इनवर्सली है,
इसको लिखो